तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज गौड़ और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल DLX9। दोस्तों आज मैं आपको डिटर्जेंट पाउडर के बारे में कुछ खास फैक्ट बताने जा रहा हूं। दोस्तों आप लोग ध्यान दिए होंगे कि बहुत अच्छे से अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर हो, फिर भी कभी कभी कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और कभी कभी कपड़े साफ़ नहीं होते हैं। पहले तो इस समय तो अभी ठीक है, पहले जैसे गांव के लोग कपड़े धोते थे उसी डिटर्जेंट पाउडर सेम डिटर्जेंट पाउडर में, तो कपड़े की सफाई क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन वही कपड़े अगर शहर के लोग साफ करते थे तो उसमें कपड़े की सफाई बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हो जाती थी। तो इसके कारण दोस्तों आम आदमी यानी आम जनमानस को पता लगाने में तो वर्षों गुजर गए, लेकिन वैज्ञानिक भी परेशान थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सेम वही डिटर्जेंट पाउडर है, शहरों में अच्छी क्वालिटी में कपड़े चमकदार हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में मटमैले कलर में ही कपड़े की सफाई हो रही है, यानी कि सफाई होने के बाद भी चमकदार कपड़े नहीं हो रहे हैं, सफ़ेद कपड़े मटमैले पीले कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों लगभग बहुत वर्षों बाद वैज्ञानिक को भी इसका कारण पता चला, जिससे आम जनमानस यानी आम आदमी भी इस बात को जान सके। तो दोस्तों इसका सबसे पहला कारण था वो जल की लवणता। दोस्तों आप जानते हैं कि जल में नमक की मात्रा होती है, और जिसमें नमक की मात्रा होती है उसमें हमारा वो क्या कहते हैं डिटर्जेंट पाउडर अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कोई भी डिटर्जेंट पाउडर लाइएगा, आप प्रैक्टिकल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर लाइएगा उसे नल के नॉर्मल वाटर में उसे घोल कर उसमें कपड़ा साफ कीजिएगा और फिर से पानी को बॉयल कीजिएगा और उसमें जो अशुद्धि जमती है उसे छान के हटा दीजिए, यानी उबाला पानी, फिर उसमें आप उसको डाल के चेक कीजिएगा डिटर्जेंट पाउडर में कपड़े की सफाई क्षमता देखिए बहुत ही बेहतर होगी। तो दोस्तों इसके लिए तो ऐसा कोई उपाय है नहीं कि आप डिटर्जेंट पाउडर बेचे। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है तो आपके दिमाग में तो आएगा नहीं कि हम डिटर्जेंट पाउडर बेचें और लोगों से कहें कि पानी को उबाल के या फिर आप डिस्टिल वाटर लेके आइए, उसमें हमारे कपड़े को उसमें हमारे डिटर्जेंट पाउडर को घोल करके उसमें कपड़े को साफ कीजिए। तो दोस्तों इसका एक उपाय भी है, वैज्ञानिकों ने उपाय भी खोजा, वो बहुत ही सिंपल सा उपाय है। कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा रसायन, कोई ऐसा रचक मिल जाए जिसको डिटर्जेंट पाउडर में हम मिला दें और वह जैसे ही पानी में घुले पानी की पूरी लवणता जितनी भी लवणता है उसे समाप्त कर दे, और जैसे लवणता समाप्त कर देगा तो उसमें आपका डिटर्जेंट पाउडर बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करेगा और कपड़े की सफाई भी बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको क्या मिलाना चाहिए, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर नहीं है आप अपना कपड़ा साफ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर इसे मिलाते नहीं। मैं चिलेटिंग एजेंट के बारे में आज बताऊंगा, उतनी ज़्यादा में कोई मिला नहीं पाता है, इसलिए अगर आप भी अपना कपड़ा साफ करना चाहते हैं तो मैं आगे उसकी चर्चा करूँगा कैसे उसकी सफाई क्षमता बहुत अच्छी बढ़ा सकते हैं आप। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको आज चिलेटिंग एजेंट के बारे में बताऊंगा, चिलेटिंग एजेंट होते क्या हैं और इसका यूज कैसे होता है। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम थोड़ी देर बाद समझते हैं, पहले हम चिलेटिंग एजेंट के बारे में जान लेते हैं कि ये होते क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें, चिलेटिंग एजेंट के रूप में आता है खाने का सोडा। अब आप बोलेंगे चिलेटिंग एजेंट क्या होता है, इसका क्या वर्क होता है। तो जैसे दोस्तों मैं अभी आपको बताया हूँ कि पानी जो खारा होता है उसके खारेपन को दूर करने के लिए हम खाने का सोडा मिला सकते हैं। खाने का सोडा दोस्तों ध्यान रखिए 10% से अबव मिलाने पर, कम से कम इसको 10% मिलाया जाता है, और इसकी जो रेट होती है वो सोडा ऐसे महंगा होती है, सोडा ऐसे महंगा होती है, इसलिए दोस्तों इसे अधिकांश लोग मिलाते नहीं है, अगर मिलाते भी हैं तो 10% से ज़्यादा नहीं मिलाते हैं, इसलिए उतनी अच्छी काम नहीं कर पाती है। दोस्तों इसमें एक और भी गुड़ होता है खाने का सोडा में, इसमें ऑक्सीडेशन का गुड़ होता है, मैं ऑक्सीडेशन के बारे में अभी आगे चर्चा करूँगा
ऑक्सीडेशन के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताऊंगा, तो मैं आपसे ऑक्सीडेशन के बारे में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों और एक आता है सोडियम परबोरेट या सोडियम पर कार्बोनेट, दोनों का काम एक ही होता है। आप इसे मात्र 4% मिलाएंगे तो आपके खारे पानी को एकदम सॉफ्ट बना देगा। सबसे पहले हमें समझना होगा सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। दोस्तों जैसे आप नॉर्मल वाटर लेते हैं, जैसे आप नल से पानी निकलता है या फिर टोटी से पानी लेते हैं, वो हार्ड वाटर होता है, उसमें नमक की मात्रा घुली हुई रहती है। और जो आपका सॉफ्ट वाटर होता है उसमें नमक की मात्रा नहीं होती है। तो दोस्तों यही नमक की मात्रा को हटाने के लिए हमें खाने का सोडा या फिर सोडियम परबोरेट या फिर सोडियम परकार्बोनेट का यूज करते हैं। जैसे आप बोतल का पानी पियेंगे, बढ़िया क्वालिटी में अगर कोई आप पानी लेते हैं मिनरल वाटर, अगर आप उसमें कपड़ा साफ करेंगे तो देखिएगा अच्छी क्वालिटी में आपके कपड़े की सफाई होगी। कहीं आप अगर नल से पानी लेकर उसमें साफ करते हैं तो थोड़ी कम क्वालिटी होगी, कपड़े की सफाई की क्षमता कुछ घट जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए हम यूज करते हैं। तो वही जैसे इसमें ये लोग जब ये डाला जाता है तो ये पानी सॉफ्ट बन जाती है। जैसे पीने के लिए तो मिनरल्स वाटर होते हैं, आप उतनी ज़्यादा में यूज करेंगे नहीं, मिनरल्स वाटर महंगे पड़ जाएंगे, इसलिए आप सोडियम परबोरेट या सोडियम परकार्बोनेट डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट रहेगा कि आप सोडियम परबोरेट ही 4% मिलाए, जिससे आपके जो डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है वो ज़्यादा महंगा ना पड़े। और दोस्तों अगर बात करें, अगर आप एक ग्राहक हैं यानी कि आप डिटर्जेंट पाउडर का यूज करते हैं और कपड़े की सफाई अच्छी नहीं होती है, तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि पानी को उबाल लें और उबालने के बाद से उसे छान लें और उसके बाद से उसमें डिटर्जेंट पाउडर का घोल डालकर, सॉरी डिटर्जेंट पाउडर को डालकर घोल के उसमें कपड़ा साफ करें, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में साफ होगा। क्योंकि आप सोडियम परबोरेट या फिर खाने का सोडा या फिर सोडियम पर कार्बोनेट तो लाएंगे नहीं, वैसे अधिकांश डिटर्जेंट निर्माता होते हैं वो सब इसको मिला देते हैं। और मैं अधिकांश डिटर्जेंट निर्माता को बताता भी हूँ कि आपकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, आप सलरी की क्वान्टिटी 17-20% भी कर दे, सोडा 80% तक डालें, क्या कहते हैं डोलोमाइट साल्ट वगैरह वगैरह जितने भी भर्ती कर चक एक भी ना मिलाए, और फिर एंजाइम्स डाले, ब्लीचिंग पाउडर डाले, बहुत चीज़ डाले, फिर भी अगर आप अपने डिटर्जेंट पाउडर में चिलेटिंग एजेंट नहीं डालते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका जो पानी होता है पूरा लवणीय होता है और उसे आपकी सारी मेहनत बेकार चले जाएगी, यानी कि कोई भी फायदा नहीं होगी। इसलिए दोस्तों मेरा सुझाव है कि आप अपने डिटर्जेंट पाउडर में जरूर डालें, सोडियम परबोरेट जरूर डालें, खाने का सोडा भी डाल सकते हैं, 10% तक आप यूज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा यूज करेंगे तो आपकी कॉस्टिंग महंगी पड़ती जाएगी। सबसे बेस्ट सोडियम परबोरेट रहेगा, आप इसे डाल सकते हैं। दोस्तों आप चलते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर, जैसे अभी मैं आपको बताया हूँ खाने का सोडा में इसे दो फायदा होता है, इसमें ऑक्सीडेशन का भी गुण होता है। तो हम ब्लीचिंग पाउडर के रूप के बारे में जानेंगे, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। दोस्तों जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, ब्लीचिंग पाउडर में ऑक्सीडेशन का गुण होता है, ब्लीचिंग पाउडर में ऑक्सीडेशन का गुण होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब यह होता है कि यह अपने आप काम करता है। कई बार आप डिटर्जेंट पाउडर डाले होंगे, अच्छी क्वालिटी के डिटर्जेंट पाउडर, तो जैसे मग है इसमें यह पानी है, जैसे आप डिटर्जेंट पाउडर तो ऐसे ऐसे छोटे 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 बुलबुले आपको देखने को मिलते होंगे जो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ निकल है। तो दोस्तों ये ब्लीचिंग पाउडर के कारण होता है, या कोई भी मटेरियल जो उसमें डाला गया है जिससे ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। दोस्तों ऑक्सीडेशन प्रक्रिया हम लोग कक्षा 6-7 में भी पढ़े होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे कि जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है किसी घोल में तो उसमें ऑक्सीडेशन क्रिया होती है और किसी भी कलर को हटा देती है, किसी भी कलर को हटाने में सक्षम होती है। तो इसलिए हम ब्लीचिंग पाउडर डिटर्जेंट पाउडर में ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालते। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम डालेंगे तो
आपके कपड़े की कलर भी वो हटा सकते हैं, इसलिए कम क्वांटिटी में डाला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर से फायदा होता है कि कम मेहनत, यानी कि मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है लोगों को साफ करने में, कपड़े आराम से कपड़े साफ हो जाते हैं। जैसे पानी के घोल में यानी कि डिटर्जेंट पाउडर के घोल में हम कपड़े डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर अपना कार्य अपने आप शुरू कर देती है, अपना कार्य अपने आप शुरू कर देती है, यानी मैल को उतारना शुरू कर देती है। और इसका एक और फायदा होता है कि रेशे से जो भी मैल निकलते हैं उसको वापस रेशे में नहीं आने देती है, यानी कि वह कपड़े से अलग हो जाती है और फिर उसे धोकर साफ कर दिया जाता है। इसका सबसे अच्छा काम करता है, जैसे आपको रेशे से कब मैल निकालने के लिए और फिर वापस न आने के लिए CMC अच्छी वर्क करती है। मैं CMC यानी कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज के बारे में वीडियो भी बना चुका हूँ और इसके आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप इसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है मैं इसके बारे में बताया हूँ और फिर बता भी दूंगा, लेकिन हम यहाँ CMC का चर्चा नहीं करेंगे, हम ब्लीचिंग पाउडर का चर्चा किए हैं। आप ब्लीचिंग पाउडर भी अपने डिटर्जेंट पाउडर में 1% से 2% तक डाल सकते हैं। 1% 2% तो बहुत हुआ, 1% ही ब्लीचिंग पाउडर डालिए, 1% काफ़ी है। 1% आप ब्लीचिंग पाउडर डालिए अपने डिटर्जेंट पाउडर में, और ये सोडियम परबोरेट 4% डालिए, या फिर सोडा एस डालते हैं तो 10 से 15% तक डालिए, 10 से 15% तक। और हम तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि हमारी डिटर्जेंट पाउडर की क्वालिटी क्यों खराब होती है। हम बहुत सारे मटेरियल्स डालते हैं फिर भी क्वालिटी खराब हो जाती है, कपड़े साफ नहीं होते हैं। हम इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि आखिर क्या डालें, कौन से मटेरियल डालें। हम सब कुछ डाले हैं, इतनी अच्छी अच्छी क्वांटिटी में, इतनी अच्छी अच्छी कॉस्टिंग में मैं डिटर्जेंट पाउडर बनाया हूँ, फिर भी उसकी क्वालिटी इतनी खराब क्यों आती है। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण यही है कि आप किसी भी चिलेटिंग एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं और इसी कारण आपके डिटर्जेंट पाउडर की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप जरूर अपने डिटर्जेंट पाउडर में चिलेटिंग एजेंट का प्रयोग करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे। इसके आगे मैं CMC और एंजाइम्स के बारे में भी बताऊंगा, और व्हाइटनर भी काफ़ी रोल निभाता है तो व्हाइटनर के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता तुरंत करेंगे।